गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है फाइल आइकन्स। एवरी स्टूडेंट विल ओपन पेज नंबर 27 ऑफ देयर बुक्स। हमें एक टेबल दी गई है जिसमें आइकन्स, प्रोग्राम और टाइप ऑफ फाइल है। पहला क्या आइकन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और टाइप ऑफ फाइल वर्ड प्रोसेसर। सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, टाइप ऑफ फाइल प्रेजेंटेशन फाइल। थर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टाइप ऑफ फाइल क्या है? स्प्रेडशीट फाइल। फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, टाइप ऑफ फाइल डाटाबेस। फिफ्थ, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, टेक्स्ट फाइल है। पेंट हमारा कौन सी फाइल है? पिक्चर्स फाइल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर, साउंड एंड मूवी फाइल। विनैम्प साउंड फाइल। ये सब क्या है? ये हमारे आइकन्स हैं, उनका प्रोग्राम का नाम दिया है और टाइप ऑफ फाइल। आप सभी बच्चे इनको लर्न करोगे कि कौन से प्रोग्राम में किस टाइप ऑफ फाइल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंटेशन बनाओ, तो आप लोग कौन से प्रोग्राम में बनाओगे? पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे डाटाबेस चाहिए किसी कंपनी का, तो आप लोग किस में बनाओगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो किस में आप लोग बनाओगे? माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड में। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लर्न करोगे, ये टेस्ट में भी आएगा। आप लोगों को इसे लर्न अच्छे से करना है। नीचे क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट एट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज आवर स्टडी टेबल, लाइब्रेरी, वार्डरोब एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू एक्सेस डेटा और इन्फॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड ईजली। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स व्हाट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमें कंप्यूटर में भी अपने फाइल्स और फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करके रखने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम कैसे काम करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स के साथ? पहले क्या लर्न करेंगे? पहले हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप पर। स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। अब अगर हमें न्यू फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, तो उसके क्या स्टेप्स हैं? हमने ब्लैंक स्पेस, जहाँ पे डेस्कटॉप पे ब्लैंक स्पेस होगी वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने अपने माउस से राइट क्लिक करनी है डेस्कटॉप पर। एक मेन्यू अपीयर होगा। क्या अपीयर होगा? एक मेन्यू। उसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन। जब हम लोग न्यू ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, तो एक सब मेन्यू अपीयर होगा जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे फोल्डर ऑप्शन पे। फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक न्यू फोल्डर आइकन हमारा डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। फिर हम उस फोल्डर को नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल। जैसे ही हम नाम दे देंगे, हम एंटर की प्रेस कर देंगे। व्हाट वी विल सी स्टूडेंट्स? वी विल सी कि हमारा माई स्कूल नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पर क्रिएट हो गया है। हम लोग फिर से स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं। हम लोग राइट क्लिक करेंगे माउस से अपनी ब्लैंक स्पेस पे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे खाली जगह होगी वहाँ पर हमने राइट क्लिक किया। सेकेंड, एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन। एक सब मेन्यू अपीयर होगा, उसमें हम क्या क्लिक करेंगे? उसमें हम क्लिक करेंगे फोल्डर ऑप्शन। तो हमारा फोल्डर ऑप्शन का आइकन क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पर। फिर हम उस फोल्डर को नाम देंगे। एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? माई स्कूल। जैसे ही हम फोल्डर का नाम दे देंगे, हम प्रेस करेंगे एंटर की। क्या देखेंगे बच्चों हम लोग? हमारा माई स्कूल नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया है। ये थे हमारे स्टेप्स कैसे हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर। एक बार हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। सेकेंड, अ मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। थर्ड,
A sub menu appears. Click on the folder option. A new folder icon gets created on the desktop. Fourth, type the folder name, for example, my school. Fifth, press the enter key. A folder called my school gets created on the desktop. तो आज की क्लास में हमने क्या लर्न किया कि हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पर, एंड क्या लर्न किया था कि कौन से प्रोग्राम पर कौन सी टाइप ऑफ फाइल है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग लिखोगे व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। क्या आप लोगों का होमवर्क है व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखकर बताओगे।